हेलो डियर फ्रेंड्स, टुडे इज चिल्ड्रंस डे। हेलो मित्रों, आज बाल दिवस है। सो आई वांट टू विश यू अ हैप्पी चिल्ड्रंस डे। उस वजह से मैं आप सबको बाल दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। यस, टुडेस प्रॉमिस वर्स फॉर यू इज टेकन फ्रॉम एज्रा 8:22। आज का प्रतिज्ञा वचन एज्रा 8 के 22 से लिया गया है। द ग्रेशियस हैंड ऑफ आवर गॉड इज ऑन एवरीवन हु लुक्स टू हिम। हमारा परमेश्वर उस हर व्यक्ति के साथ है जो उस पर विश्वास करता है। Yes, not just the older people, सिर्फ बुजुर्ग लोगों के लिए ही नहीं, not only the people who are mature, सिर्फ परिपक्व लोगों के लिए ही नहीं, but even on the little children, मगर हर छोटे बच्चों के लिए भी। Yes, we see in the Bible of how Jesus loves the little children. हम बाइबल में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर बच्चों से बहुत प्यार करता है। In Mark 10, we see when the little children were brought to Jesus. मरकुस 10 में हम देखते हैं जब बच्चों को परमेश्वर के पास लाया गया था। He instructed his disciples to make way for the children to come to him. उन्होंने अपने चेलों से कहा कि बच्चों को उनके पास आने दे। He never said, "Oh, I don't have time for the children." उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास बच्चों के लिए समय नहीं। Oh, what do they know about me? उनको मेरे बारे में क्या पता है? What can they understand about my power? उनको मेरी शक्तियों के बारे में क्या पता है? No, my dear friends, he welcomed them with open arms. मित्रों, उन्होंने अपने खुले बाहों से उनका स्वागत किया। He lifted them up. He placed his hand upon them and blessed them. उन्होंने उनको उठाकर उनके सरों पर हाथ रखकर आशीषित किया। Yes, my dear friends, in the same way, God wants you to do that to your children. हाँ मेरे मित्रों, उसी तरह वह चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ भी करें। Today you may say, "Oh, my children, I'm so worried about them." आज आप कह रहे होंगे कि आप अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित हैं। They are going in a bad way. They are not studying well. They are not obeying me. वह गलत रास्ते में जा रहे हैं। वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। ना पढ़ाई करते हैं। You may also be afraid if they go out, something will happen to them. आपको डर लगता होगा कि जब वो बाहर जाए, कुछ हो जाएगा। But my dear friends, as Jesus did. मगर मेरे मित्रों, जैसे परमेश्वर ने किया। Every day, lay your hands upon them and bless. हर रोज अपने हाथों को उन पर रखकर उनको आशीष दें। This child is a gift from God, so Lord, bless my child. यह बच्चा मेरे लिए एक आशीष है, इसलिए मैं उसे आशीषित करूँगा। Keep my child safe. मेरे बच्चे को सुरक्षित रखें। And let all the talents that you've placed in my child come to pass. और उनमें वो सारे प्रतिभा पूरे हों जो आपने दिए हैं। Let them come up in their life, Lord, and use me as an instrument to bless them. उन्हें अपने जीवन में ऊंचा उठाए और मेरे द्वारा ये हो। And raise them in your ways. अपने हाथों में उन्हें चुंबन कीजिए। When you pray that prayer of blessing upon your children each day. जब आप हर दिन अपने बच्चों के लिए ये प्रार्थना मांगेंगे, you will truly see a change in their life. आप सचमुच उनके जीवन में एक बदलाव महसूस करेंगे। A change in their heart. उनके हृदय में बदलाव। A change in their behavior. उनके स्वभावों में बदलाव। And the change in the way they study. उनके पढ़ाई करने के रीत में बदलाव। A change in the way when they grow up. उनके बड़े होने के तरीके में बदलाव। Yes, my dear friends, God will use you to bless them as you lay your hand upon them. हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर आपके द्वारा आपके बच्चों को आशीष देगा। And he will place his hand upon your hand and bless them. और वो अपने हाथों को आपके हाथों पर रखकर उन्हें आशीष देगा। And as you lead them to look upon him each day. और जैसे आप उन्हें उनके राहों में चलाएंगे, His hand will always be upon them. उनके हाथ हमेशा उनके साथ रहेंगे। His gracious hand. उनके दयालु हाथ। His loving hand. उनके प्रेम भरे हाथ। And his protecting arms will hold them in him. और उनके प्रेम भरे हाथों से वो उनको रखेंगे। So don't be afraid regarding your children. इसलिए बिल्कुल चिंतित ना हो अपने बच्चों को लेकर। Don't be worried. बिल्कुल चिंतित ना हो। God's hand is upon your children. परमेश्वर के हाथ हमेशा उनके साथ हैं। Yes, my dear young friends, God's hand is upon you. हाँ मेरे बच्चों, परमेश्वर के हाथ हमेशा आपके साथ हैं। So every day when you study, look upon him and thank him that he's with you. हर दिन जब आप पढ़ाई करें, तो उनके ओर देख के उन्हें धन्यवाद दें। As you go out, thank him that his protecting hand is with you.
जब आप बाहर जाए उनके सुरक्षा के हाथों के लिए धन्यवाद दे। When you feel sick, thank him that his healing hands are upon you. जब आप बीमार हैं, तब उनके चंगाई भरे हाथों के लिए धन्यवाद दें। When you're worried, when you're afraid, when you're angry, know that his loving hand is wrapping you into his arms. जब आप डरे हुए हैं, आप चिंतित हैं, आप गुस्से में हैं, याद रखिए उनके प्रेम पूर्ण हाथ हमेशा आपके साथ हैं। So don't ever be afraid. तो कभी भी डरिए मत। As you look to him each morning, his hand is upon you. जब आप हर सुबह उनकी ओर देखेंगे, उनके हाथ हमेशा आपके साथ हैं। Shall we thank God for his loving and gracious hand is upon us and he is touching us today. आइए हम धन्यवाद करें कि वो हमेशा अपनी दया और प्रेम से हमें साथ रहेंगे। Let's pray together. आइए प्रार्थना करें। Lord Jesus, I thank you that you are blessing your little children with your loving hands, Lord. परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप अपने बच्चों को हमेशा अपने प्रेम पूर्ण हाथों से आशीष देंगे। As they look to you, जैसे कि वो आपकी ओर देखते हैं। Place your hand upon them, Lord. अपने हाथ उन पर रखिए। Protect them, Lord. उनकी सुरक्षा करिए। Let your wisdom flow out of your hands. आपके ज्ञान से उन्हें भरिए। Let your love flow out of your hand. आपके प्रेम से उन्हें भरिए। Let your healing flow out of your hands. आपकी चंगाई से उन्हें भरिए। Let your grace flow out of your hands, Lord. आपकी दया से उन्हें सुरक्षित रखिए। And as you touch them, let them be transformed. और जैसे आप उन्हें छुए, उन्हें बदल दीजिए। And let them draw close to you. और आपकी ओर खींचे चले आएं। Fulfilling all the plans that you give your little children. आपकी सारी योजनाएं जो उनके लिए हैं, वो परिपूर्ण करिए। Let them rise up and achieve great things for your name. उन्हें ऊपर उठाकर उनको बड़े-बड़े कार्यों के युक्त करिए। And let whatever they do prosper. और वो जो कुछ करे उसमें सफलता दीजिए। Bless your children, Lord. आपके बच्चों को आशीष दें। Jesus name I pray. प्रभु के नाम में प्रार्थना करती हूँ। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दें।